हाँ जी नमस्कार जी। कौन सा चैप्टर चल रहा है? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। हाँ जी, एक क्वेश्चन हो गया था पर उस एक क्वेश्चन से कुछ खास बात बनी नहीं, कंसेप्ट कुछ खास क्लियर हुआ नहीं। तो आप एक काम करिएगा, आप आइएगा पेज नंबर 13.7 पर। पेज नंबर 13.7 आज की क्लास में मैंने सोचा है कि एक तो हम ये रिविजनरी क्वेश्चन नंबर वन करेंगे और मेन क्वेश्चन नंबर टू, मेन क्वेश्चन नंबर थ्री। भाई ये तीन क्वेश्चन करने हमने आज की क्लास में, इसके एक एक क्वेश्चन करने में काफी टाइम लगता है। तो रिविजनरी क्वेश्चन नंबर वन, मेन क्वेश्चन नंबर टू, मेन क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तीन क्वेश्चन हो जाने के बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरह इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पेज नंबर 13.1 नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स रिविजनरी क्वेश्चन नंबर वन। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2009। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, स्टोर्स का बैलेंस गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और वो चौथा अकाउंट कौन सा लिखा हुआ है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता? क्या ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम है? चाहे इसका तीसरा नाम भी है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन गिवन है। चलिए सारे ट्रांजेक्शन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। सारे ट्रांजैक्शंस पढ़िए। हाँ, तो पहला अकाउंट कौन सा बनाया जाए? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इस अकाउंट में रॉ मटेरियल की सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, दूसरे अकाउंट का नाम WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इस अकाउंट में फैक्ट्री की सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, तीसरे अकाउंट का नाम फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसमें फिनिश्ड गुड्स की सिचुएशन डिस्कस करी जाएगी। हां जी, ये तीन तो बेसिक अकाउंट हो ही गए। उसके बाद चौथा अकाउंट कौन सा बनाया जाए? कॉस्ट लेजर, मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में उसका नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये तो चार अकाउंट हो गए, पांचवा अकाउंट कौन सा होना चाहिए? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। पांचवा अकाउंट वेजेस कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट।
अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद लास्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हां जी, अकाउंट्स तो जो क्वेश्चन पिछली क्लास में हुआ था उसमें भी यही अकाउंट्स बनाए गए थे, अकाउंट्स का तो सिस्टम वही है। एक बार ये सारे अकाउंट बन जाएं तो लास्ट में फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे, और इसका ट्रायल बैलेंस बनाना सबसे आसान काम है। जैसे इसके ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ चार अकाउंट है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी ऐसा ही होगा, अकाउंट इसमें ज्यादा होते नहीं। तो फिर शुरू किया जाए। हां जी, तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहला बैलेंस कौन सा गिवन है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रुपीज 4,500। चलिए आइए स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। 4,500, स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस 4,500। अच्छा, स्टोर्स के बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस बताइए 10,200। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस 10,200। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग बैलेंस 6,800। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,800, और लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड 21,500। हाँ जी, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करे गए हैं, अभी तक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हमने शुरू नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ही रिकॉर्ड करे, ठीक है ना। हाँ जी, तो आइए पहला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। फिर पहला ट्रांजैक्शन क्या है? मटीरियल परचेस्ड। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि कैसे परचेज करा है, कैश पेमेंट करी है या क्रेडिट परचेज है। इसका जवाब है जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, कॉस्टिंग का इस बात से क्या लेना देना कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। कितना परचेज है वैसे? 20,000। तो आइए एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो पिछली क्लास में आप कहते रहे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो इस क्वेश्चन में है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रुपीस 20,000। पॉइंट वैलिड? ओके। दूसरी एंट्री पढ़िए,
मटेरियल इश्यूड टू जॉब्स फॉर प्रोडक्शन. यस, हमने मटेरियल जॉब्स के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए इश्यू करा है. आप ये बताइए, ये डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है? अगर ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है तो ये डायरेक्ट मटेरियल है. क्या आपको लगता है ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाई होगा? क्वेश्चन को पढ़िए, मटेरियल इश्यू टू जॉब्स फॉर प्रोडक्शन, यानी ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है. और ये कितना मटेरियल है? 18,000. तो आप 18,000 का मटेरियल इश्यू करिए और इसे आप स्टोर से बाहर निकालिए. और ये है डायरेक्ट मटेरियल, तो क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, पूरा लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. पॉइंट वैलिड? ब्रैकेट्स में लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल. ये डायरेक्ट मटेरियल आप WIP की डेबिट साइड पर लेके जाइए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. द अमाउंट इज रुपीज 18,000. ओके, 18,000. आगे, मटेरियल इश्यूड फॉर रिपेयर्स इन फैक्ट्री. ओके, मटेरियल इश्यूड फॉर रिपेयर्स इन फैक्ट्री. रिपेयर्स के कामों के लिए अगर मटेरियल इश्यू हुआ है तो वो है इनडायरेक्ट मटेरियल. कितना है? 1,000. ओके, एक बार फिर से, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है. अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इसको कहां भेजा जाए? बाय फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट. आप लिखेगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जो मर्जी कह लीजिए. ब्रैकेट्स में जरूर लिखेगा इनडायरेक्ट मटेरियल्स. ओके, पॉइंट टेकन. अब यही अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर ले जाइए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. बाकी क्वेश्चन पढ़िए, कोई और इंफॉर्मेशन अगर रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में है तो बताइए. कोई और इंफॉर्मेशन अगर रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में है तो बताइए. अगर नहीं है तो कम से कम स्टोर्स अकाउंट तो क्लोज करें. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कितना क्लोजिंग बैलेंस आप ही बताइए, दोबारा बताइए. 5,500. आइए अकाउंट को एनालाइज करें. शुरुआत हुई 4,500 के मटेरियल से. 20,000 का मटेरियल और खरीदा गया तो टोटल मटेरियल कितना हो गया? 24,500 रुपए. उसमें से 18,000 का डायरेक्ट मटेरियल भेजा गया, उसे WIP का हिस्सा बनाए. 1,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया गया, उसे फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनाए. और बाकी है आपका क्लोजिंग स्टॉक. मेरे ख्याल से स्टोर्स अकाउंट अपनी बात को ठीक ढंग से कह रहा है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट वेजेस पेड, इनडायरेक्ट वेजेस पेड, दोनों का टोटल बताइए. 20,000 टोटल. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वेजेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री सेम होती है. टोटल वेजेस कितनी है? रुपीज 20,000. तो एंट्री पास करिएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. और 20,000 है टोटल वेजेस. टोटल वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस की ये कंबाइंड एंट्री. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाइएगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट.
₹20,000। डेबिट साइड कहती है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, क्रेडिट साइड को कहना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर को कौन सहन करेगा। अब 20,000 में 15,000 की डायरेक्ट वेजेस हैं और 5,000 की इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। 20,000 में 15,000 की डायरेक्ट वेजेस हैं, 15,000 की इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ठीक है ना। 5,000 इनडायरेक्ट वेजेस हैं, 15,000 जो डायरेक्ट वेजेस हैं, इसका बर्डन किस पर डाला जाए? बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में जरूर लिखेगा डायरेक्ट वेजेस। आपने लिखा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में आपने लिखा डायरेक्ट वेजेस। सिमिलरली लिखेगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, आपने लिखा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसके भी ब्रैकेट्स में लिखेगा इनडायरेक्ट वेजेस। तो डेबिट साइड पर आपने कहा कि टोटल वेजेस हैं 20,000, क्रेडिट साइड पर आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट वेजेस 15,000 है और इनडायरेक्ट वेजेस 5,000। आइए डायरेक्ट वेजेस को हम WIP की डेबिट साइड पर ले जाएं। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और इनडायरेक्ट वेजेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर ले जाएं। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5,000, 5,000। आगे बढ़िए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड कितना लिखा है? रुपीज 6,000। हमने कहा देखिए ऐसा है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट साइड पर पहले से दो एंट्री लिख चुका है। ये जो 1,000 है ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये जो 5,000 है ये है इनडायरेक्ट वेजेस। तो जो आप हमें 6,000 बता रहे हैं, क्या वो इन दोनों के अलावा बता रहे हैं? ऑब्वियस सी बात। जैसे हो सकता है फैक्ट्री का रेंट देते होंगे। देखिए ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये है इनडायरेक्ट वेजेस, और ये हो गया अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप फैक्ट्री का रेंट देते हैं, तो एंट्री होनी चाहिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री आनी चाहिए बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट रुपीस 6,000, 6,000 रुपए। हां जी, अब ये बताइए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो चुका है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल इज रुपीज 12,000। आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड कस्टमर से कितना रिकवर किया जाएगा? क्या क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड कस्टमर से कितना रिकवर किया जाएगा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो आइए पूरे 12,000 रुपए कस्टमर से रिकवर किए जाएं, पूरे 12,000 रुपए रिकवर किए जाएं। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम तो फुल्ली रिकवर का केस मान ही लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी कहां जानी चाहिए? आप लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में फुल्ली रिकवर्ड, ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखा? फुल्ली रिकवर्ड। और ये एंट्री आ गई WIP की डेबिट साइड पर 12,000 रुपए। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। देखिए
कंसेप्ट को ध्यान से समझेगा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये पहले गया फैक्ट्री ओवरहेड में, पर ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाके वहां पड़ा हुआ थोड़ी है, वहां से ये कहां निकल गया, WIP। इसका मतलब जितनी भी एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी, ध्यान से सुनेगा, जितनी भी एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी वो सारी इकट्ठी होने के बाद कहां चली जाएंगी, WIP में। अल्टीमेटली एंट्री को WIP में जाना ही है। जो डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री से मेरा मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वो WIP में डायरेक्टली आ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, हम उनको कहते हैं कि जाओ पहले फैक्ट्री ओवरहेड में जाके अपनी हाजिरी लगवाओ और वहां से इकट्ठे होकर आ जाना, है कि नहीं। हम यही तो कह रहे हैं, आइए पहले सारे फैक्ट्री ओवरहेड इकट्ठे करें और इकट्ठे होने के बाद अमाउंट यहां से निकालेंगे और वो अमाउंट हम यहां ले जाएंगे। अब देखिए, ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के टोटल को मैं कहूंगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों के टोटल को क्या कहा जाए, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। एक बार फिर से, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वी आर बाउंड टू गेट वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। और ये है क्या, जो गुड्स फैक्ट्री ने बनाए और बनाकर वेयरहाउस में ट्रांसफर करें। तो इधर एंट्री क्या आनी चाहिए, बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने लिखा बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, द पॉइंट इज वैलिड। ब्रैकेट्स में क्या लिखेगा, वर्क्स कॉस्ट, आपने लिखा ब्रैकेट में वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें से कोई एक अमाउंट क्वेश्चन बताए, दूसरा हम बता देंगे। क्वेश्चन में कहीं तो कुछ लिखा होगा, हां एक जगह लिखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री, लिखा हुआ मिला आपको, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री ₹56,000। अब जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है वो आप बताइए, क्या क्रेडिट साइड पे बैलेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, बैलेंस कैरिड ऑन नहीं है। उल्टा आप क्या कह रहे हैं कि डेबिट साइड पे 800 का बैलेंस आ रहा है, यही आप कह रहे हैं ना। अब ये है क्या भाई, डेबिट साइड पे बैलेंस कैसे आ सकता। आप ये कहते हो कि आपने ₹56,000 के गुड्स बना डाले, यही आप कह रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि इतना खर्चा करके आपने गुड्स बना डाले। एक ही बात साबित हो रही है कि आपका खर्चा कम हुआ है और जो गुड्स बने हैं उसकी वैल्यू ज्यादा। क्या आपने कॉस्ट को सेव किया, गुड्स 56,000 के बनाए हैं पर उसके लिए कॉस्ट इनकर्ड कम है, हेंस कॉस्ट इज सेव्ड, दिस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट। चूंकि ये अपने आप में एक बेनिफिट है तो इसे हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ब्रैकेट्स में लिखेगा सेविंग इन कॉस्ट, क्या लिखा आपने, सेविंग इन कॉस्ट, इतनी आपने कॉस्ट सेव करी, इतना आपको फायदा हुआ। आइए इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें।
बाय डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट और अमाउंट लिखेगा रुपीज 800, 800 रुपए। चलिए अब ये 56,000 जो है आप इसे फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पर लेकर आइए, टू डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट 56,000। अच्छा ब्रैकेट्स में जरूर लिखेगा वर्क्स कॉस्ट, ये वर्क्स कॉस्ट है, ये बात आप लिख लीजिए कि ये वर्क्स कॉस्ट। आगे क्वेश्चन बढ़ाइए, एक जगह क्वेश्चन कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15,000, तो एंट्री लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 15,000। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 15,000, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की रिकवरी को ट्रांसफर किया जाता है बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर क्वेश्चन रिकवर्ड अमाउंट नहीं बताएगा तो हम इसको फुल्ली रिकवर करवा लेंगे। रुपीज 15,000, 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए ये आप फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पर ले जाइए, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आइए फिनिश गुड्स अकाउंट को समझें। आप ये बात बार बार कह रहे हैं कि 56,000 क्या है, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट ये है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक बार फिर से, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वी आर बाउंड टू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हालांकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है पर वो जाता कहां है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जाता कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। अब इन दोनों में से कोई एक अमाउंट क्वेश्चन बता दे, दूसरा हम बता दें। क्या क्वेश्चन ने कुछ बताया है? हां, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बताया, 70,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप बताइए, 7,800। ओके, 7,800 ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, जो आपने एंट्री लिखी है बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट साइड पर आइए, टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रुपीज 70,000। क्या लिखा आपने, टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 70,000, ब्रैकेट्स में लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन कहता है सेलिंग एक्सपेंसेस 7,000, तो एंट्री सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 7,000। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय
सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 7000, सेलिंग ओवरहेड्स का भी रिकवर्ड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप इसे भी फुल्ली रिकवर करें और आप इसकी रिकवरी कहां भेजना चाहेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट्स में जरूर लिखेगा रिकवर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट साइड टू सेलिंग ओवरहेड्स 7000। हां तो 70000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 7000 क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स, और दोनों का टोटल क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 77000। कहां भेजा जाए इसको, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में क्या करना चाहिए कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है यानी टोटल कॉस्ट है उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 77000। ओके 77000। क्वेश्चन में कहीं सेल्स लिखी है, 1,00,000 रुपए सेल्स आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,00,000 रुपए। हमारे हिसाब से कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो, ना हमने बैंक अकाउंट में एंट्री डालनी है ना डेटर्स अकाउंट में, हम एंट्री कहां भेजेंगे, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000, 1,00,000 रुपए। ओके एंट्री यहां से वहां चली गई, क्वेश्चन की तो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब आप मुझे नेट प्रॉफिट बताएंगे कितना है, 23,800। वैसे तो प्रॉफिट चले जाना चाहिए रिजर्व्स अकाउंट में, पर रिजर्व्स अकाउंट क्या है कि हम लोग बनाते नहीं, तो हम इसको कहां भेज दें, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉफिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,800। हो गई सारी एंट्रीज, सारी एंट्रीज हो गई। हां अब लास्ट में आप मुझे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए, फिर से बताइए, ₹13,300, 13,300। क्या इसका ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत है, ओपनिंग बैलेंसेस तो फिर भी 4 थे, क्लोजिंग बैलेंसेस तो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 बैलेंसेस, एक ये रहा, एक ये रहा और तीसरा ये, चौथा तो कहीं बैलेंस ही नहीं, WIP का तो फिर बैलेंस है ही नहीं, दो डेबिट बैलेंसेस हैं 5,500, 7,800, एक क्रेडिट बैलेंस है 13,300 रुपए। ये बात आप समझ रहे हैं, 5,500 जमा 7,800 यानी 13,300, ठीक है ना। हाँ पीछे की लाइट जला सकते हैं, चलिए काम करिएगा, पेज नंबर 13.1 पर आइएगा, पेज नंबर 13.1 पर आइए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लिया था ना, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2
पेज नंबर 13.1। चलिए आइए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर शोन इन द कॉस्ट लेजर एज ऑन January 1, 2011। तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, एक तो है फिनिश गुड्स, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा स्टोर्स और चौथा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2011, उसमें सबसे पहले कौन सा है? परचेज ऑफ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ मटेरियल डायरेक्टली बाय फैक्ट्री। उसके बाद कौन सा है? रिटर्न टू सप्लायर्स स्टोर्स। फिर वेजेस सैलरी की डिटेल्स आपके पास, डायरेक्ट, फैक्ट्री इनडायरेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंसेस डायरेक्ट इसको अंडरलाइन करिएगा, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये हम पहली बार देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर इन द स्टोर, स्टोर्स इश्यूड टू मेंटेनेंस अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स। राइट अप द नेसेसरी अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन द लास्ट डेट। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। चले, पहला अकाउंट कौन सा बनाया जाए? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है रॉ मटेरियल की सिचुएशन को समझने के लिए। हां जी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा अकाउंट WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तीसरा अकाउंट फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। चौथा अकाउंट बताइए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पांचवा अकाउंट बताइए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। छठा अकाउंट बताइए, ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स या कह सकते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद सेलिंग
ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद लास्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही अकाउंट्स हम बार बार बनाते आ रहे हैं। आइए ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग बैलेंस रुपीज 2000। चलिए फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करिए, रुपीज 2000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस कितना, रुपीज 4000। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद बताइए स्टोर्स ओपनिंग बैलेंस रुपीज 10000। अच्छा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस रुपीज 16000। रुपीज 16000 हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। ट्रांजैक्शंस, पहला ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मटेरियल रुपीज 59000। स्टोर्स की डेबिट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करिए और लिखेगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना। आपने स्टोर्स की डेबिट साइड पे लिखा कि मटेरियल बढ़ गया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 59000। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं परचेज ऑफ मटेरियल डायरेक्टली बाय फैक्ट्री। किसी दिन फैक्ट्री मैनेजर को सामान की जरूरत रही होगी, हो सकता उस दिन स्टोर बंद रहा होगा, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, वो बस फटाफट मार्केट गया, फैक्ट्री मैनेजर सामान खरीद कर लिया 3600 रुपए, ठीक है। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल एंट्री तो मैंने नहीं बताई ना। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्ट परचेज बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री ने सामान को सीधा ही खरीद लिया तो फैक्ट्री में डायरेक्टली वो कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई। अब आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 3600 रुपए। आगे बढ़िए रिटर्न टू सप्लायर्स स्टोर्स। एक तो ये सामान आपने खरीदा है, स्टोर मैनेजर ने खरीदा, एक ये सामान फैक्ट्री मैनेजर ने खरीदा, इसमें से कोई सामान वापस हुआ है, कितना सामान वापस हुआ है, कौन सा वाला वापस हुआ है, जो स्टोर मैनेजर ने खरीदा था या जो फैक्ट्री मैनेजर ने खरीदा था। क्वेश्चन में लिखा है ना स्टोर्स, यानी जो स्टोर मैनेजर ने सामान खरीदा था वो वापस हुआ। तो आप स्टोर्स की क्रेडिट साइड पर लिखकर उसको वापस कर दीजिए और लिखेगा बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में रिटर्न। एक्चुअली उनको ना ठीक ढंग से लिखना नहीं आया,
लिखा है रिटर्न टू सप्लायर्स स्टोर्स, मेरे ख्याल से स्टोर जो है ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, रिटर्न टू सप्लायर्स स्टोर्स। मतलब ये तो मैं पहली कह चुका हूं, हमारी अंग्रेजी जो है ना वो दुनिया की थर्ड क्लास अंग्रेजी में गिनी जाती है, ढंग से हमको लिखना भी नहीं आता। ऐसे होना चाहिए था रिटर्न टू सप्लायर्स बाय स्टोर्स, या कम से कम स्टोर्स ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था। कई बार हम लोग ना वैसे लिख देते हैं जैसे लोग टेलीग्राम में लिखा करते, पता ही नहीं चलता कि आप कहना क्या चाहते। खैर चलिए एंट्री रिकॉर्ड हो गई। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, वेजेस सैलरी पेड, हाँ वही ना, डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ या रिवर्स एंट्री नहीं हुई, तो बाद में ऐसी गलती ढूंढने से मिलती भी नहीं। टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है, बस हमेशा इस बात को श्योर करें कि डेबिट क्रेडिट दोनों हो गए, वरना बाद में फिर ये गलती मिलती भी नहीं असल में। हाँ वेजेस सैलरी की डिटेल्स, टोटल वेजेस सैलरी का अमाउंट है 62,600, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 62,600, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइट बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 62,600 हो गया डेबिट क्रेडिट। अब क्वेश्चन कहता है इसमें 41,000 की तो डायरेक्ट वेजेस है, तो आइए क्रेडिट साइड पर उसका हम ब्रेकअप लिख लेते हैं। 41,000 की डायरेक्ट वेजेस है, उसके अलावा क्या है 9,000, फिर क्या है 7,800, और लास्ट में क्या है 4,800। हमें इनको रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना है बस। 41,000 डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस को WIP में डायरेक्टली एंट्री मिल जानी चाहिए, तो लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने क्या लिखा, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये डायरेक्ट वेजेस है, तो WIP की डेबिट साइड पर एंट्री ले आइए। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अच्छा ये 9,000 क्या है, ओके ये है फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, इसको यहां से निकालकर फैक्ट्री ओवरहेड में ले आइए, और फैक्ट्री ओवरहेड से निकालकर WIP में ले जाइएगा। अल्टीमेटली इसको जाना WIP में, जो डायरेक्ट वाली एंट्री है वो WIP में डायरेक्टली चली जाती, जो इनडायरेक्ट एंट्री है उसको हम कहते हैं कि पहले आप ओवरहेड में अपना नाम तो लिखवाओ, पहले आप ये तो लिख लो कि आप ओवरहेड हो, फिर ओवरहेड से इकट्ठे होकर हम आपको WIP में ट्रांसफर कर देंगे। डायरेक्टली WIP में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए, तो लिखेगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट रुपीस 9,000 रुपए। अच्छा 7,800 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इसका मतलब हम इसे कहां भेजेंगे, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, आप लिखेगा बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 7,800. 4,800 क्या है? सेलिंग इनडायरेक्ट वेजेस, इसे हम क्या मानेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स. बाय सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट और सेलिंग ओवरहेड्स डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 4,800. क्या वेजेस कंट्रोल अकाउंट बन चुका है? डेबिट साइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, नंबर वन डायरेक्ट वेजेस, नंबर टू इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, फैक्ट्री रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, सेलिंग रिलेटेड, ट्रांसफर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. डायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर्ड टू WIP अकाउंट. आगे बढ़ते, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, हमने लास्ट क्लास में इसकी कोई एंट्री तो पढ़ी थी नहीं, तो एंट्री आप बना लीजिए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बर्डन कौन एब्जॉर्ब करे? फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑब्वियसली. तो एंट्री लिखेगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट रुपीज 4,400. ब्रैकेट्स में लिखेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,400. आगे बढ़ी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 10,200. प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 10,200, ये लिखा हुआ ना, कहां लिखे? यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 10,200. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 10,200. हो गया डेबिट क्रेडिट. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 8,200. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 8,200. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 8,200. सेलिंग ओवरहेड्स 5,200. सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,200. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 5,200. अगली एंट्री बताइए, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन 61,000. जरूर ये डायरेक्ट मटेरियल होगा, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. ब्रैकेट्स में लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स WIP डेबिट साइड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 61,000.
आगे बताइए, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर इन द स्टोर, एबनॉर्मल लॉस है रुपीज 800, आप लिखेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रुपीज 800, 800 रुपए। अच्छा आगे बताएंगे क्या है, स्टोर्स इश्यू टू मेंटेनेंस अकाउंट। हमने ये पढ़ा है कि अगर मेंटेनेंस के काम के लिए मटेरियल इश्यू करा जाए तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये कहां भेजा गया होगा, ऑब्वियसली फैक्ट्री में भेजा गया होगा। तो आइए इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री की तरफ भेजें 2600 रुपए। बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्या ये बात सही है, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और ब्रैकेट्स में लिखेगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, और प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट साइड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 2600 हो गई एंट्री। अच्छा बाकी क्वेश्चन में क्या रॉ मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन है, बाकी क्वेश्चन में अगर नहीं है तो मटेरियल अकाउंट को क्लोज करें। हां जी 4200 रॉ मटेरियल अकाउंट को एनालाइज कर लें। शुरुआत करी 10,000 के मटेरियल से, 59,000 का आपने खरीदा, 400 का आपने वापस करा, 61,000 का डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भेजा गया, 800 का मटेरियल एबनॉर्मली लॉस्ट हुआ, 2600 का इनडायरेक्ट मटेरियल भेजा गया फैक्ट्री में, और 4200 है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पोजीशन क्लियर, स्टोर्स की सिचुएशन समझ में आ गई ना। अच्छा डब्ल्यूआईपी की सिचुएशन समझे, हालांकि अकाउंट अभी पूरा बना नहीं है, ये जो 3600 है और ये जो 61,000 है, क्या ये दोनों रॉ मटेरियल के ट्रांजैक्शन है? मेरा मतलब है 61,000 का मटेरियल तो आपको स्टोर ने भेजा और आपने खर्च किया, और 3600 का मटेरियल आपने खुद खरीद कर खर्च कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है तो आपका जवाब है 3600 प्लस 61,000, क्या ये बात सही है? ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या है, डायरेक्ट वेजेस। ओके डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम ऑलरेडी क्या पता कर चुके हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी पता करी जा चुकी है? बस इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस हो जाए, तो हमें वर्क्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर पता चल सकती, क्या ये बात सही है?
फैक्ट्री ओवरहेड यहां आएंगे कहां से? ये जो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बन रहा, जिसकी डेबिट साइड पर आप लिख चुके हो कितने खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर हो गए, अब ये अमाउंट यहां से वर्क इन प्रोग्रेस में जाना ही चाहिए, तभी कैलकुलेशन आगे बढ़ सकती है। क्या ये बात सही? तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेगा रिकवर्ड, या तो क्वेश्चन बता दे कि ये हमने कितना रिकवर करना है, वरना हम इसको फुल्ली रिकवर करवा लेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ बता रहा है क्या, कितना रिकवर करना है? 22,000। ठीक है ना, 22,000 आप WIP अकाउंट की डेबिट साइड पर लेके जाइए, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, आप प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में वापस आइए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड डेबिट साइड पर है, रिकवर्ड क्रेडिट साइड पर है, क्या ये ओवर रिकवरी का केस है? कितनी ओवर रिकवरी है? 200। तो हमने मैनेजमेंट से पूछ लिया, भाई क्या करना है इसका? हाँ, मतलब फैसला तो आपका है, आप चाहें तो इसको अगले साल भी लेके जा सकते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि जी इस अगले साल ले जाकर ऑटोमेटिकली सेटल कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहते नहीं 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 मामला इसी साल सेटल होगा, अगले साल मामला नहीं लेके जाया जाएगा, तो फिर आप मामले को अभी सेटल करो और लिखो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट्स में लिखेगा ओवर रिकवरी। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट रुपीस 200। क्या ये बात सही? चलिए, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट तो बन गया ना, अब आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये कह रहा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वी आर बाउंड टू गेट वर्क्स कॉस्ट। शायद क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बता रहा है, कितना बता रहा है? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं बताया गया, क्वेश्चन वर्क्स कॉस्ट बता रहा है, वर्क्स कॉस्ट का नाम लेके नहीं बना रहा है, बता रहा है। एक जगह क्वेश्चन कहता है फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री, जो गुड्स फैक्ट्री ने बनाए और बनाकर वेयरहाउस में भिजवाए कितना है? 1,32,000। और आप लिखेगा बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा वर्क्स कॉस्ट, ब्रैकेट्स में लिखेगा वर्क्स कॉस्ट, और अब आप लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ₹4,000। अब ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक अमाउंट बताए, दूसरा हम बता देंगे। इसे आप फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पर लेकर आइए टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट ₹1,32,000। ओके,
अब आप आइएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट में, इसकी रिकवरी कहां भेजनी है? बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने क्या लिखा? बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेगा रिकवर्ड, रिकवर्ड। अगर क्वेश्चन रिकवर्ड अमाउंट बता दे तो ठीक है, वरना हम फुल्ली रिकवर कर लेंगे। 15,600। तो अंडर रिकवरी का केस है ना, 400 बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा अंडर रिकवरी। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 400। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की सिचुएशन समझ में आ गई? फिनिश गुड्स अकाउंट में आई? तो मैं ये कह रहा था ये 1,32,000 रुपए क्या है? वर्क्स कॉस्ट। क्या है? वर्क्स कॉस्ट। अगर वर्क्स कॉस्ट में ऐड हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो इसके टोटल को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन वो जाता कहां है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई एक अमाउंट क्वेश्चन बताए, दूसरा हम बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताइए 9,600। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट साइड, टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,40,000। ठीक है ना? अब आप आइएगा सेलिंग ओवरहेड में।
एक एंट्री बची है और वो है सेल्स, अमाउंट 1,60,000। आइए सेल्स को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखें। 1,60,000 और हम क्या लिखे, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, ठीक लिखा हमने, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, पोजीशन क्लियर। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नाइन थाउजेंड। ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां भेजें, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेगा प्रॉफिट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेगा प्रॉफिट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड 9,000 बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट तो सारे बन गए, बस लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाए। चेक कर लीजिए, 17,800 रुपए। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चंस होते जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगता जाएगा। भाई जिसे अकाउंट्स आते हो वो इस चैप्टर से नाराज थोड़ी होता है, और उन स्टूडेंट्स की नाराजगी भी दूर हो गई। वो स्टूडेंट्स शुरू से कह रहे हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग तो ठीक है पर इसमें अकाउंट्स नहीं पढ़ाए आपने। हमने कहा ठीक है, आप भी अपनी हसरत पूरी कर लो भाई, पढ़ लो अकाउंट्स। इन्हीं को अकाउंट्स बोलते हैं ना, जिसमें आखिर में ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है, और जब ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो हम कहते हैं अच्छा इसका मतलब अकाउंट्स हमारे ठीक बन गए। हाँ याद आ गया, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है, लिखेगा तो लास्ट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2011। कॉलम्स बना लीजिए, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। इसका ट्रायल बैलेंस तो सबसे सिंपल होता है, मुश्किल से चार अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट लिखेगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना क्लोजिंग बैलेंस है ये रहा 4,200 रुपए। चलिए इसको डेबिट साइड पे लिखिए, 4,200 रुपए डेबिट साइड पे लिखा आपने। अब लिखिएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपने लिखा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,000 रुपए, इसको डेबिट साइड पर लिखेगा 4,000 रुपए। फिर लिखेगा फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट,
9600 रुपए, इसे आप क्रेडिट साइड पर लिखेगा, सॉरी डेबिट साइड पर लिखेगा 9600 रुपए। और लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसे क्रेडिट साइड पर लिखेगा 17800। मिल गया ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज इट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया हमारी तरफ से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक सवाल यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बैलेंस को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों भेजा? अच्छा नहीं भेजेंगे तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? क्या आप प्रॉफिट नहीं जानना चाहते? अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखनी है तो डेबिट साइड पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो होनी चाहिए। प्रॉफिट बेसिकली है क्या? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना? तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा भाई, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ए मंथ द ओपनिंग बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर वर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसको अंडरलाइन करेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। मतलब अब ये हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में से, पर किसी में ये बिल्डिंग अकाउंट बनाने की बात नहीं आई। खैर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, मटीरियल परचेस्ड, इश्यू टू प्रोडक्शन, इश्यू टू जनरल मेंटेनेंस, इश्यू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसको अंडरलाइन करो, इश्यू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वेजेस, ग्रॉस वेजेस पेड, इनडायरेक्ट वेजेस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर इसको अंडरलाइन करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। वर्क्स ओवरहेड्स, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड एक्सक्लूडिंग आइटम शोन अबव एब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर अंडरलाइन करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अंडर एब्सॉर्ब्ड रॉयल्टी, सेलिंग ओवरहेड्स, सेल्स। एट द एंड ऑफ मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस वॉज ₹55 lakhs एंड ₹25 lakhs रेस्पेक्टिवली। द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। Prepare relevant control accounts to record the above transaction in the cost ledger of the company. आप हेडिंग डालेगा important explanations. Actually main answer पर आने से पहले मैं कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, इसलिए मैंने हेडिंग डाल दी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। जो बातें मैं बता रहा हूं आप उसे अपने मेन आंसर का पार्ट मत मानिएगा, बस ऐसी कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। उसमें लिखेगा नंबर वन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। हाँ जी, हम ये अकाउंट कॉस्ट बुक्स में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं।
जब कॉस्ट शीट बनाई जाती है तो पूरी कॉस्ट शीट के प्रोसीजर में बिल्डिंग कहीं लिखना ही नहीं होता। तो जब बिल्डिंग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो फिर हम बिल्डिंग अकाउंट क्यों बनाएं? सीधा सा जवाब है हमारा। तो इस क्वेश्चन में बिल्डिंग अकाउंट क्यों बन रहा है फिर? और अगर बिल्डिंग अकाउंट बना सकते हो तो फिर डेटर्स अकाउंट भी बनाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाओ, कैश बैंक अकाउंट भी बनाओ, खाली बिल्डिंग अकाउंट क्यों बनाया जाए? पहले हमें इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए तो फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर आगे शुरू करें। लिखेगा, दिस अकाउंट इज नॉट सेपरेटली प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज नॉट सेपरेटली प्रिपेयर्ड as it is integral part of, it is integral part of cost ledger control account। हां, तो जिसे आप कहते हैं cost ledger control account, वो इतने सारे accounts को संभालता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैंक। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्डिंग अकाउंट को भी संभाले, इसलिए हम ये अकाउंट नहीं बनाते। आगे लिखेगा हाउएवर इन द गिवन केस वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, इन द गिवन केस वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट because the expenditure of material comma wages and works overheads are identified with the activity of building construction, आपका ये पॉइंट सही है कि जी कॉस्ट शीट में बिल्डिंग अकाउंट तो कहीं आता ही नहीं, लेकिन क्या कॉस्ट शीट में मटेरियल लिखा जाता, वेजेस लिखा जाता, वर्क ओवरहेड लिखा जाता? इसका मतलब बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस भले ही ना हो पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की इंपॉर्टेंस तो है। इसका मतलब हम बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग के लिए नहीं बना रहे। हम बिल्डिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं? मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए और वर्क्स ओवरहेड के। ये कैसे हो सकता? हो सकता है जैसे मान लीजिए हमारा काम है सीमेंट बेचने का, तो सीमेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि वो हमारा काम है भाई। कॉस्टिंग में इस बात पे डिस्कशन होना चाहिए कि आप काम क्या करते हो। अच्छा, वो सीमेंट जो पब्लिक को बेचते हैं, अपनी खुद की बिल्डिंग बन रही थी, हमने उसी में लगा दिया, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड भी ना करें? रिकॉर्ड इसलिए मत करिए कि खुद की बिल्डिंग बन गई, रिकॉर्ड इसलिए करिए कि सीमेंट लग गया, क्योंकि सीमेंट में आप बिजनेस करते हैं, ये आपके बिजनेस का पार्ट है, आप इससे मना कैसे कर सकते? आपके पास वर्कर्स है, आप उनको वेजेस देते हैं क्योंकि लोगों की बिल्डिंगें बनाई जाती। अपनी बिल्डिंग बन रही थी तो हमने अपने वर्कर्स को आके चलो भाई अपनी बिल्डिंग बनाओ, तो क्या इस बात को रिकॉर्ड भी ना करें? अरे वेजेस को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना, बिल्डिंग की अगर अहमियत नहीं भी है तो क्या करें? तो बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग की वजह से नहीं बन रहा है, बिल्डिंग अकाउंट किसकी वजह से बन रहा है? मटेरियल, वेजेस, वर्क्स ओवरहेड्स की वजह से, जैसे कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी है।
पर ऐसे इस लॉजिक को अगर सही माना जाए तो क्वेश्चन में एक जगह यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस महीने कंप्लीट होने वाली है। क्या यह क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या इसका यह मतलब है कि फ्यूचर में अब और कोई खर्चा नहीं होगा? कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई, फ्यूचर में और कोई खर्चा नहीं होगा। अगर और कोई खर्चा नहीं होगा तो क्या अब मैं बिल्डिंग अकाउंट को इररिलेवेंट अकाउंट डिक्लेयर कर सकता हूं और मैं अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को कहूंगा कि जैसे आप इतने सारे अकाउंट संभाल रहे हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स कैश बैंक, बस इसी अकाउंट को आपने नहीं संभाला था, अब हम इस अकाउंट के बोझ को बड़ी देर से सहन कर रहे हैं, अब इस अकाउंट को भी आप ही संभालिए। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, फ्यूचर में इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, इस अकाउंट को आगे ले जाने का मकसद अब खत्म होता है। तो अब लिखिए इस बात को, वी आर गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द करंट मंथ फुल स्टॉप। हेंस दिस अकाउंट कैन नाउ बी ट्रीटेड एज इररिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्टिंग and transferred to inverted commas में cost ledger control account। इसका मतलब अब वो समय आ गया है कि आप इसे cost ledger control account में transfer करें, जिस अकाउंट की जिम्मेदारी है सभी बेकार के अकाउंट को संभालने की। अब हम कह रहे हैं कि अब ये अकाउंट भी बेकार अकाउंट की लिस्ट में शामिल होने को तैयार हो गया है, अब आप इसे संभाल लीजिए। एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट क्यों बन रहा है, अब तक क्यों बन रहा था, आगे क्यों नहीं बनेगा, क्या इसका सफिशियंट एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है? पॉइंट नंबर टू, रॉयल्टी। इस क्वेश्चन में कहीं रॉयल्टी भी लिखी गई है? रॉयल्टी को क्या माना जाए? मैं रॉयल्टी को मानना चाहूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे? आप जानते हैं किताबों पर रॉयल्टी दी जाती, आप जानते हैं कि जिसने किताब लिखी है ऑथर ने, उसको किताब की सेल प्राइस का एक हिस्सा मिलता, यानी अगर 100 रुपए की किताब बेची गई तो उसमें से 25 रुपए ऑथर के, 100 में से 25 रुपए ऑथर के, तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो गया? अगर एक किताब 100 रुपए की बेची जाएगी तो उसमें से 25 रुपए ऑथर को दिए जाएंगे, तो ये एक्सपेंडिचर एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई होता है, अकॉर्डिंगली इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानकर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। लिखिएगा रॉयल्टी के आगे, इट इज टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज
एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डायरेक्ट एक्सपेंस की जर्नल एंट्री तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो रॉयल्टी की एंट्री वही रिकॉर्ड करी जाए जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है। नंबर थ्री लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बताएंगे इस क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट कितना गिवन? 450 लैक्स। तो आप लिखेगा 450 लैक्स। अब ये भी बताइएगा कि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या कहा गया, 20%। अगर सेल्स का 20% कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा? 90 लैक्स। 90 लैक्स है डिफरेंस, 360 लैक्स। 360 लैक्स के आगे क्या लिखा जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस कराए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट के बारे में कुछ डिस्कस हमने करा, रॉयल्टी अकाउंट रॉयल्टी के बारे में हमने कुछ बात करी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल सा फार्मूला लिखा कि जी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। तो अब आप एक काम करिएगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए, अब इसका आंसर शुरू करते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लीजिए, अब इसका मेन आंसर शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, तीसरा अकाउंट फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके तीन अकाउंट तो ये हो गए। चौथा अकाउंट कौन सा है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट बनाया जाए? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद वेजेस कंट्रोल अकाउंट।
वेजेस कंट्रोल के बाद वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। वर्क्स ओवरहेड्स के बाद होते तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं, पर क्या है कि वो क्वेश्चन में है नहीं, तो सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड्स के बाद कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हां जी, शुरू करें फिर। अच्छा, एक काम और करिएगा, ऊपर आप लिखिएगा रुपीस इन लैक्स, ऊपर आप लिखिएगा रुपीस इन लैक्स, रुपीस इन लैक्स। रुपीस इन लैक्स का मतलब जानते हैं ना, क्या मतलब होता? हम जो भी बात कहेंगे लाखों में कहेंगे, है ना, मुझे ही मतलब होता है, और क्या। चलिए आइए ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना है? 80 लैक्स। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस लिखिए 80 लैक्स। आपने लिखा रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस रुपीज 80 लैक्स। अच्छा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस बताइए 20 लैक्स। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग बैलेंस 430 लैक्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओपनिंग बैलेंस 10 लैक्स। अच्छा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 540 लैक्स। कंफर्म करें कि आपका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस सही है। कंफर्म करें कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है। डेबिट साइड की एंट्रीज है 80 + 20 + 430 + 10, और क्रेडिट साइड में भी वही है 540। ओके, यानी ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है, क्लोजिंग भी मिल जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन मटेरियल परचेस्ड 40 लैक्स, 40 लाख। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है एंट्री। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 40 लैक्स, 40 लाख रुपए डेबिट क्रेडिट हो गया। इश्यूड टू प्रोडक्शन 50 लाख,
इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, लिखेगा बाय डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, लिखेगा बाय डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल। डब्ल्यूआईपी की डेबिट साइड पर एंट्री लेकर आइए, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 50 लाख। आगे इश्यू टू जनरल मेंटेनेंस 6 लाख। ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। मान लेते हैं कि ये फैक्ट्री में आपने भेजा होगा, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्या लिखा आपने, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू फैक्ट्री। आपने लिखा इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू फैक्ट्री 6 लाख। वर्क्स ओवरहेड डेबिट साइड पे लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख। ठीक है एंट्री। अब वो क्या कहते हैं कि मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई किया गया 4 लाख रुपए, स्टोर्स क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना है 4 लाख। तो इसे बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ले जाएं, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4 लाख। हो गया, यहां भी 4 लाख लिखा, यहां भी 4 लाख लिखा, हो गया। हां जी आगे बढ़िए, ये तो मटेरियल की सारी एंट्रीज हो भी गई, पर ऐसा लगता है कुछ बचा है। हां देखो नीचे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है बताओ, 55 लाख। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक पता करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्वेश्चन ने बता दिया तो चलो अच्छी बात है। फिर ये अकाउंट अपने आप मिलना चाहिए, है कि नहीं, या तो अब क्वेश्चन बता रहा है तो अकाउंट फिर मिले अपने आप, और क्या। फिर क्वेश्चन को बताना नहीं चाहिए था, कितना बैलेंस आ गया, अच्छा 5 लाख। तो आप कह रहे हैं क्रेडिट साइड पे 5 लाख का फर्क आ गया, अच्छा क्या है ये, नहीं ये है क्या, लॉस है, ये क्वेश्चन में लिखा है क्या लॉस है, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि आपको मटेरियल का लॉस हुआ। वैसे आप लॉस कहां लेके जाते, क्वेश्चन कहता है जी लॉस तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने की इजाजत नहीं देंगे हम आपको, तो क्या करें फिर, इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड मान लो, ये अच्छी जबरदस्ती है। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन के कहने पे मान रहे हैं हम लोग, हम क्लियरली इस बात को बता दें, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा लॉस, और क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, जो मर्जी कह लो, इसे वर्क्स ओवरहेड में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। हां जी स्टोर्स अकाउंट से पीछा छूटा हमारा, मतलब शुरू में इतने का था, इतने का खरीदा, इतने का डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
ये लॉस हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, स्टोर्स का अकाउंट समझ में आ गया, ठीक है ना, स्टोर्स की सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट है वेजेस, ग्रॉस वेजेस पेड 150 लाख, वेजेस 150 लाख टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 150 लाख। ध्यान रखिएगा ये 150 लाख आपकी टोटल वेजेस हैं, टोटल वेजेस है ना, ये क्रॉस वेजेस यानी टोटल वेजेस है ये, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, डायरेक्ट वेजेस भी और इनडायरेक्ट वेजेस भी, ये सब कुल मिलाकर है। अच्छा, जो इसमें डायरेक्ट वेजेस हैं वो आप कहां भेजना चाहेंगे, WIP अकाउंट में, है ना। अच्छा, ये तो डायरेक्ट वेजेस है जो आप कह रहे हैं कि WIP में जाएगी। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस कहां भेजोगे, बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस WIP में जाएंगी, इनडायरेक्ट वेजेस तो वर्क्स ओवरहेड में जाएंगी ना। और अगर कोई वेजेस ऐसी हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है, तो वो भी बता दीजिए। तो जी क्रेडिट साइड पे तीन एंट्री आनी है, कोई दो क्वेश्चन बता दे, तीसरी हम बता देंगे, कोई दो क्वेश्चन बता दे। इनडायरेक्ट कितनी है, 40 लाख, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ 10 लाख। अब बताओ डायरेक्ट वेजेस कितनी हुई, 100 लाख। ठीक है, अच्छा जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो WIP में ले जाइए, ओके। जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो आप वर्क्स ओवरहेड में ले जाइए। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है वो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाइए। अब तो ठीक है, वेजेस अकाउंट समझ में आ गया, टोटल वेजेस, उसमें से ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाइड। आगे बढ़िए, वर्क्स ओवरहेड्स एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड एक्सक्लूडिंग आइटम्स शोन अबव 160 लाख। क्वेश्चन कहते हैं देखिए ये तीन खर्चे तो आपके हुए ही पड़े, क्या मतलब, ये छह क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल था ना, ये पांच क्या था, लॉस, 40 क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस, ये तीन तो हुए ही बड़े हैं, इनके अलावा 160 लाख और, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 160 लाख, 160 लाख हो गई एंट्री। पोजीशन के लिए वर्क्स ओवरहेड की क्रेडिट साइड पे ना रिकवर्ड अमाउंट की एंट्री आनी चाहिए,
जो WIP में जानी चाहिए, और अगर रिकवर्ड अमाउंट कम हुआ, अंडर रिकवर्ड हुआ, तो अंडर रिकवरी एंट्री कहां जाएगी? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा अंडर रिकवर्ड। और अगर कोई वर्क ओवरहेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाई हो गया, सो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इन तीनों में से कोई दो एंट्री क्वेश्चन बता दे, तीसरी हम बता दें। क्वेश्चन कहता है जी हम आपको दो बताते हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है 20 लैक्स, अंडर रिकवर्ड है 8 लैक्स, रिकवर्ड आप खुद पता कर लो 183 लैक्स, ठीक है 183 लैक्स। 183 इसे WIP की डेबिट साइड पर लाया जाए, एट लैक्स क्या है, हां अंडर रिकवर्ड, इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, लैक्स क्या है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आइडेंटिफाइड है, इसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है ना, हो गई एंट्री सारी ट्रांसफर। चलो भाई आगे बढ़ो, रॉयल्टी कितना रॉयल्टी है 5 लैक्स रॉयल्टी यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एंट्री है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा रॉयल्टी और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 5 लैक्स रॉयल्टी। एक सेकंड, ये 50 लाख क्या है, दोबारा बोलिए, फिर बोलिए, डायरेक्ट कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल 100 लैक्स क्या है, डायरेक्ट वेजेस, 5 लैक्स क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और ये क्वेश्चन में गिवन है 25 लैक्स क्वेश्चन में गिवन है। अब जो भी क्रेडिट साइड पर बैलेंस आएगा वो होगा वर्क्स कॉस्ट 333, ये वर्क्स कॉस्ट आ गया ना, है तो ये वर्क्स कॉस्ट, पर ये रिप्रेजेंट किसे करता है, उन गुड्स को जो फैक्ट्री ने बनाए हैं और बनाकर वेयरहाउस में ट्रांसफर करे, बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में वर्क्स कॉस्ट। तो ये एंट्री आप फिनिश्ड गुड्स की डेबिट साइड पर लेके जाइए टू WIP ledger control account 333 lakhs, और ये है
वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट में ऐड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो क्वेश्चन में नहीं। इसका मतलब यही वर्क्स कॉस्ट है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। होता वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पर जाता कहां है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ब्रैकेट में जरूर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई एक अमाउंट आप बताइए, दूसरा बैलेंसिंग फिगर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप अभी जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिख रहे थे उसमें जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 था उसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना कैलकुलेट किया था? 360 लाख रुपए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया गया है। क्लोजिंग बैलेंस बताइए 403। चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड पर एंट्री लेकर आइए, टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 360। क्या फिनिश गुड्स अकाउंट अपनी बात कह चुका है? अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के मैटर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड लिखा है 25 लाख। सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 25 लाख। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 25 लाख, 25 लाख रुपए। क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड की रिकवरी गिवन नहीं है, तो आइए इसको फुल्ली रिकवर करें। और इसकी रिकवरी कहां से करी जाए? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट्स में फुल्ली रिकवर्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट साइड, टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दोनों का करिए टोटल 385 लाख। ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आप इसे कहां भेजना चाहेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब आप बताइए सेल्स, सेल्स गिवन है 450 लाख। आप लिखेंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450 लाख। 450 लाख, ठीक है ना? चलिए नेट प्रॉफिट कितना बताएंगे? 57। नेट प्रॉफिट को कहां ले जाएं? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 57। प्रॉफिट रिकॉर्ड आपने करा, आप इसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड में लेके जाइए।
बाय कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57 लैक्स, 57 लैक्स। अब सुनिएगा जरा, मान लीजिए मैं बिल्डिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखता हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन, पर मैं चाहूंगा नहीं आप इसको लिखें। अगर मैं लिखता हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 44। ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? एज इट इज कितना क्लोजिंग बैलेंस? 527। अब अगर ट्रायल बैलेंस बनाया जाए तो डेबिट बैलेंसेस 55, 25, 403 एंड 44, चारों का टोटल 527। ट्रायल बैलेंस मिल गया, इसका मतलब हम ट्रायल बैलेंस अभी बना देते हैं, अभी मिल जाएगा। लेकिन हम बिल्डिंग अकाउंट को अब झेलना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये, अगर तो अभी कंस्ट्रक्शन बची हुई है तब तो आप इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, हम आपको रोक तोड़ ही रहे। पर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो हम इस अकाउंट को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना नहीं चाहते, हम इस अकाउंट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम लिखेंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और हम उस अकाउंट को क्या कहेंगे कि भाई साहब आप इतने सारे अकाउंट संभाल कर रखे हुए, कैश, डेटर्स, बैंक, सब आपने संभाला हुआ है, अब जरा इसे भी संभाल लो भाई, है ना। अब हम इसे अब आगे संभालना नहीं चाहते, हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते, तो आप इसको संभालो। अब ये एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगी, टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 44 लैक्स। अब बिल्डिंग का अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 483। आप कहोगे जी हमारी सेहत पे क्या असर पड़ा, बात तो फिर वही की वही हो गई, ट्रायल बैलेंस अब फिर मिल जाएगा। तो हम तो ट्रायल बैलेंस मिला ही देंगे, ऐसे वैसे या जैसे तैसे, हमने तो मिला ही देना। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते तब भी हम मिला देते ट्रायल बैलेंस, आप इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो हम तब भी मिला देंगे बैलेंस, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मकसद तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि जी ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है। चलो लास्ट में लिखो फिर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन थर्ड, एक मिनट, ओके, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, एज ऑन तो पता नहीं चल पा रहा है, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। कॉलम्स बना लीजिए, पर्टिकुलर से डेबिट क्रेडिट, हाँ, तो सबसे पहले लिखेगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसको आप डेबिट साइड पे लिखेगा 55 लैक्स, 55 लैक्स। फिर लिखेगा डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट 25 लैक्स डेबिट साइड। फिर लिखेगा फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड 403।
और लास्ट में लिखिएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 483 और ये क्रेडिट साइड पे लिखेगा और ये ट्रायल बैलेंस मिल गया। अच्छा ये बताइए सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस करा जाए तो क्या आता है? सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस करा जाए तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करा जाए तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड्स का सेलिंग ओवरहेड्स का। तो इसका मतलब जब मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं ये कहता हूं जी अभी सेलिंग ओवरहेड डिडक्ट होने बाकी है। दूसरे शब्दों में जो प्रॉफिट सेलिंग ओवरहेड से पहले का होता है, जो प्रॉफिट सेलिंग ओवरहेड से पहले का होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट सेलिंग ओवरहेड के भी बाद आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। बस इतना सा मतलब। देखिए एक्चुअली क्या है, आज ना मैंने एफएम की क्लास थोड़ी बड़ी करनी है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है ना। कॉस्टिंग की क्लास मैं इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूं ताकि एफएम की क्लास जल्दी शुरू करेंगे भाई, उसमें ज्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने।